आजाद जम्मू कश्मीर मेरे और आप सबके इंतहाई काबिल एहतराम, हमारा युवा कश्मीर के लोगों का जो रिश्ता है वो अटूट है और न मिटने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर जनाब मैनी साहब इंतहाई काबिल एहतराम, जनाब जहांगीर बदर खान साहब सेनेटर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल पार्टी मेंबर पुरानी कौमी असेंबली पाकिस्तान MPA मोहतरम साहब का सदर जनाब रिटायर्ड जनरल अहमद खान साहब इंतहाई काबिल एहतराम साबका प्राइम मिनिस्टर जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब कश्मीर काउंसिल मोहतरम जज साहबान हमारे ये हुकूमत अफसरान अफवाज पाकिस्तान नुमाइंदगान मीडिया मेरे इंतहाई बदरवर काबिल एहतराम साबका गवर्नर अमीर गुलिस्तान जंजुआ साहब पाकिस्तान ओवरसीज से कराची लाहौर मुल्तान और बलोचिस्तान KPK और गिलगित बल्तिस्तान से रियासत जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेहमानों ने ग्रामीण मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं आप सब हजरात का कि आप तशरीफ लाए। रब ताला का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जिसकी बेपनाह रहमत के सदके में आजाद जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब हुआ। खवातीन और हज़रात पाकिस्तान पीपल पार्टी की क्यादत बिलखसूस सदर पाकिस्तान जनाब असद अज़हरी हक साहब रियाद पाकिस्तान जनाब गिलानी साहब और मोहतरमा फिया कारगुल साहबा ले अमूर कश्मीर मियां मंजूर भुट्टो साहब मैं आजाद कश्मीर के वज़रा इकराम मेंबरान असेंबली मेंबर कश्मीर काउंसिल और सारी जमातों ने जो मुझे सदारत के लिए वोट दिया दिल की आसादारियों से सब आजाद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल वाला से लेकर के मुजफ्फराबाद शहर तक पाकिस्तान पीपल पार्टी PSL PYO और इंजमन ताजरान मुजफ्फराबाद सिविल सोसाइटी और मीडिया आपने जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया और मैं समझता हूं कि तारीख का बड़ा जुलूस था उस बारिश में मैं दिल की आसादारियों से सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आजाद कश्मीर को तहरीक आजादी का हकीकी बेस कैंप बनाएंगे इंशाअल्लाह। वासी सदर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी तमाम तरह सलाहियतें बारूद कार लाऊंगा। रियासी प्रशासन और तमाम आनी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अदलिया का एहतराम करेंगे। मसला कश्मीर पर इससे पहले भी पेशकश हुई और इंशाअल्लाह ये चूंकि तहरीक का बेस कैंप है कोशिश करेंगे कि इसको पूरी दुनिया तक जो कोर इशू है दुनिया सारी समझती भी है और यहां से हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को यह आज एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जो आपने ताजा दम खून दे करके इस तहरीक को जिंदा किया हुआ है अल्लाह ने चाहो रियासत जम्मू कश्मीर के ये लोग जो बेस कैंप है इंशाअल्लाह उस वक्त तक अमन और चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर को आजाद नहीं करवाएंगे अल्लाह ने चाहो। तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे
दोस्तों को साथ लेकर इंशाल्लाह चलूंगा। हम तहरीक आजाद कश्मीर के वारिस हैं। मैं इस मौके पर इन हजारों शहदा को सलाम अकीदत और खराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने भारतीय कानून से आजादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस और उन तमाम जो हमारे मदम कायदीन हैं, उनको भी हम ये यकीन दिलाने चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ साबका मिनिस्टर, साबका स्पीकर साहबान, साबका असेंबली मेंबर्स मौजूद हैं, उनका भी मैं दिल की आशा का इतनी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खास करके अपोजिशन का वो हजरात भी यहाँ तशरीफ लाए, मेंबरान असेंबली, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह खवातीन हजरात, में आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत पर रियासत के अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया, इसको हर हाल में पूरा किया जाएगा। मैं बातों सदर रियासत के अवाम की खिदमत के लिए कोशिश में कामयाबी के लिए आपकी सबकी नेक ख्वाहिशात और दुआओं का तालब हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमाए, मुझे रियासत के अवाम की खिदमत और कौनसा असेंबली कश्मीर कौंसिल अरकान और हुकूमत की बेहतरीन रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए। इस सारे अरसे में टेलीफोन कॉल, SMS और इश्तेहार, पूरी दुनिया ने जो मुझे मैसेज दिए, मैं आज उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इंतहाई जो हमारे मांझे हुए सियासतदान थे, राजा दुर्गानंद साहब कहते हुए तो थोड़ा सा महसूस तो होता ही है कि इनको अभी महफिल साहब का सदर ही कहेंगे। बहरहाल इनके मैं शुक्रगुजार हूं कि इस सारे अरसे में मैं मेंबर असेंबली रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, जो इन्होंने तावन किया, मैं इनके ये बातों खास इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। और इंशाअल्लाह इनकी रहनुमाई भी हमेशा लेते रहेंगे, क्योंकि इनका बड़ा तजर्बा है। और मेरी कोशिश होगी कि साबका जितने भी लोग हैं, वो जो हमारे सियासी यहाँ अपनी पूरी उम्र दे बैठे सियासत में, उनकी अल्लाह ने चाहते उनकी भी मैं डेफिनेटली उनसे भी गुजारिश भी करूंगा, उनकी रहनुमाई भी लूंगा। मैं इस मौके पर कैदियों की सजा में धोबा उन कमी का ऐलान करता हूँ। आजाद जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।